सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। आज है हमारा डे थ्री हो गया भाई। एक हेलमेट मिला है लेकिन पहनना नहीं है क्योंकि बाल खराब हो जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं पटाया एयरपोर्ट पे और यहाँ से हमारी अभी है फुकेट की फ्लाइट जो कि एक घंटे में जाने वाली है। सीधा नाइट लाइफ में पहुँचेंगे। ऐसा टोल्ड यू खाना भी बंद हो गया लैंडिंग के बाद थोड़े ये। व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। आज है हमारा डे थ्री हो गया भाई। अभी वी आर स्टिल इन पटाया और पटाया में इतना कुछ घूमने का है नहीं, तो इसलिए हमने कल वाला ब्लॉग को वहीं ख़त्म कर दिया जब पटाया की नाइट लाइफ में अपन पहुंचे थे। और आज मेनली जो हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो यहाँ पे एक सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, एक ही चीज़ है घूमने की, वो जा रहे हैं। और उसके बाद हमें वैसे भी 2 या 3 बजे के आसपास वापस निकलना है क्योंकि हमारी फ़्लाइट है शाम की 6 बजे की फुकेट की। तो मेन फन जो अपन करना है अपन ने फुकेट जाके करना है। अभी हमारा भाई तो ये बंदा बड़ा ख़राब है, इसलिए हमने अपनी कैब करा दी है। और आज का अटायर हमारा ये ग्रे लेन पैंट के साथ ब्लैक लेन, अपना देसी कुर्ता टच कर लो। ओहो बीटल, अभी चलते सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। हाँ बैग हमने यहीं रखा था, होटल पर वापस आके बैग लेते हैं और चलते हैं फुकेट की तरफ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ और ये कुछ ऐसा सा है। फिलहाल अभी अंदर जाएंगे, हमने 500 बाट की 2 टिकटें ले ली हैं। यतिन नोड़ा येरा पीछे टिकटों के साथ और इन लोगों ने बैंड सा लगाया 500 बाट में। तो बस ये एक इकलौती चीज़ है यहाँ पे जो देखना है हम लोग। और फिलहाल अभी मेरे को कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, कॉफ़ी शॉप मिली है यहाँ पे। एक एक कैपेचिनो लेते हैं और अंदर चल के सीन देखते हैं क्या है सेंचुरी गार्डन के। ओ हो ले ली किसी ने, दे दी हमने किसी ने। एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे वो अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं वुडन वर्क का सारा। एंड दिस इज द डेमो ऑफ हाउ द बिगर बिल्डिंग्स लुक्स लाइक। एंड आफ्टर दैट शी टुक अस ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल टूर ऑफ दिस कंप्लीट इंटायर बिल्डिंग जो इन लोगों ने बना रखी है फुल वुडन वर्क के साथ में। हेलमेट वेलमेट हम लोगों ने लगा लिए कि हमारे टकले टूट ना जाए और व्लॉगिंग कंटिन्यू रहे। तो अभी का सीन ये है कि फिलहाल यतिन नोएडा और हमारा सेंचुरी ऑफ ट्रूथ वाला सिलसिला पूरा हो गया। पीछे आपको दिख रहा है काफ़ी बढ़िया जगह थी, एक ही टेंपल था। इन लोगों का मेन वही था मकसद दिखाने का कि हम लोग आप लोग ही ज़्यादा बेटर आर्किटेक्चर कर सकते हैं, अंदर बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हैं। अंदर मेनली हर जगह यहाँ पर आपको बुद्धा ही देखने को मिलेंगे या फिर आपको बड़ी मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति, बट एवरी जगह इज जस्ट बुद्धा। सो टेम्पल घूमने का ज़्यादा सेंस नहीं, सब काइंड ऑफ सिमिलर्स एक जैसे ही हैं। एक दो घूमो आइडिया मिल जाएगा बाकी सारे केसेस होंगे। बस अभी यहाँ से हमारा 10-15 मिनट का वापस रास्ता होटल का, कि हमने चेकआउट तो कर दिया था लेकिन हमारे बैग्स वहीं हैं, तो वहाँ जाते हैं बैग्स लेते हैं और फिर हमारी फ़्लाइट है 6 बजे की फुकेट की। तो 2 घंटे की हमारी यहाँ से ड्राइव है पटाया से बैंकॉक और फिर बैंकॉक से फ़्लाइट है फुकेट की। ओह माय गॉड। सो एक तरह से आज हमने कुछ इन्जॉय, मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं है एक सेंचुरी ऑफ दिस गार्डन जो भी घूमने के अलावा, बट दैट्स फाइन। पटाया में इतना कुछ है नहीं, इट्स मेनली अबाउट द वो गली। सो अपन मेन अब चलते हैं होटल, बैग उठाते हैं और निकलते हैं फुकेट के लिए और आपको इसी तरह अपडेट करते रहते हैं। ओए तो अभी के सीन्स ये हैं फिलहाल कि अभी हमने अपनी ग्रैब बुक कर दी है, आ रही है बेचारी। ये हमारा होटल है जो हम जहाँ पे रह रहे थे, अभी बढ़िया सा व्यू है इसका। यहीं से हमने बफे कर लिया दिन लंच का, तो लंच के पैसे बच गए। मसाज हमने करा लिया, अभी मैंने कहा थोड़ा फ्री सा हो जाना शरीर, अब फुकेट जा रहे थकान तो को यहाँ मिटा लेते हैं। तो हमने 1 घंटे की मसाज ली जो हमें 300 या 400 बाट के हिसाब से पड़ी, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लाइक $5, $6, $10 शायद, बहुत सस्ती चीप। ऑस्ट्रेलिया में $100 की होती है वैसे सेम 1 घंटे की मसाज ना, बट कोई नहीं। अभी 2 घंटे की हमारी ग्रैब है जो 2 घंटे लेगी एयरपोर्ट पहुँचाने के। एयरपोर्ट जाएंगे
फिर वहाँ से फुकेट जाएंगे, रात को 9 या 10 बजे पहुँचेंगे और फिर वहाँ की नाइट लाइफ में, हर जगह हम थे नाइट लाइफ में पता नहीं पहुँच रहे, कुदरत का इशारा। चलो चले फिर उस गली फिर से मिलते हैं फिर गाइस। सो कैसे हैं आप लोग सारे, और अभी के सीन्स ये हैं फिलहाल की, अभी हम पहुंच गए हैं पटाया एयरपोर्ट पे और यहाँ से हमारी अभी है फुकेट की फ़्लाइट जो कि 1 घंटे में जाने वाली है, सीधा नाइट लाइफ में पहुँचेंगे एज आई टोल्ड यू। और अभी हम सोते हुए आए पूरा 2 घंटा, बहुत मस्त नींद आई। और अभी यहाँ का एयरपोर्ट कुछ अंदर से ऐसा सा है, अच्छा है, खाने पीने का इतना सामान है नहीं, ये बंदा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है खाने पीने का, तंग है ये, इसका पेट बहुत खाली है, खाना है, चाय पीनी है ब्रदर, ले चाय पीनी है, चाय नहीं पीनी, इसके साथ में कुछ खाना भी है। बस यहाँ से फ्लाइट लेते हैं, सीधा नाइट लाइफ में उतरते हैं और इस व्लॉग को और हसीन बनाते हैं अपन उस गली जाके। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, मतलब नाइट लाइफ दिखाते हैं आपको जाके, क्योंकि भाई फुकेट की सब हैं जिस गली में तेरे साथ धोखा हुआ था गाइस, अब वो कभी कभार हो जाता ना, इसको बोला था लेडी बॉय से बच के रही हो। तभी चलते हैं और आगे की सीन्स आपको रंगीन जरूर दिखाते हैं, आप इसी तरह बने रहे और एंड तक देखें, तभी तो मज़ा आएगा, मेन चीज़ तो एंड में ही होती है व्लॉग के, तो इसी तरह बने रहे और देखते रहे। 8642 ये खोल ले, ये को नई नई गाड़ियाँ हैं टोयोटा की, यहाँ पे अपने वहाँ नहीं है, विलोज़ हैं अपने उधर। चल ब्रो, एज यूजुअल ये तीनों आगे बैठे हैं, ये आएगा ये डालूंगा मैं। 1 घंटा 13 मिनट है बस, ऑटो बस करो, ऑटो क्या लेट्स गो। अभी के सीन्स क्या है, अभी हम होटल में हम चेक इन करने के लिए आए तो बेचारों ने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और हमें टॉवल दिया, तो टॉवल से पूछता है क्या है, वो बोल रहा है टॉवल है, तो मैंने कहा तेरे को पॉपकॉर्न दिख रहे हैं पड़े, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, ठंडा ठंडा है बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे। और अभी हमारा केवल प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, वीज़ा वीज़ा वाला डॉक्यूमेंट लेके इस खुश हो गया। अभी अंदर चलते देखते रूम है कैसे हमारे फिलहाल ना, लेट्स गो एंड सी। सो गाइस, रूम ये वाला बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है क्योंकि 5 स्टार से भी ऊपर ही लग रहा है वैसे तो मेरे को ये, चलो आपको दिखाता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इतना सेक्सी बाथरूम दिया है, इतना सेक्सी, ओ हो हो हो, और पीछे अपना ही कांच वाच लगा के आई है, और ये यहाँ से रूम शुरू होता है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखा है, और पीछे लॉबी भी है, और यहाँ तैयार होने के लिए अपना कांच मिरर। अब पता नहीं पीछे से व्यू का कि अभी रात हो रही है, तो कल सुबह देखेंगे अपन, शायद पूल का व्यू है मेरे हिसाब से तो पीछे, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या व्यू है। चेंज करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, हो रहा सामने। सो गाइस, अभी के सीन्स ये फिलहाल कि हम पहुंच चुके हैं अपनी फुकेट की जो वॉकिंग स्ट्रीट थी, और जो आपको बाहर से जैसे दिखती वैसे हम दिखाते हैं, यतिन नोड़ा फुल मज़े करते हुए यहाँ पे हमारे साथ। 1 सेकंड गाइस, बने रहिए, वही गए चलो आया करेगा। Yeah.
नहीं नहीं आप ऑन करिए अभी के सीन्स ये फिलहाल अभी के सीन्स ये फिलहाल कि मैं और यतीन पूरा घूम लिए और हमें कोई इतनी वॉकिंग सीट खास लगी लगी क्या इतनी खास नहीं है मतलब जैसी वो बाकी सारे स्टेट्स की है पटाया और वहाँ बैंकॉक की सेम वैसी की वैसी थी नहीं है हाँ सेम भाई यहाँ का मैकडॉनल्ड्स तो दिखा कैसा था तो बस अभी थोड़ा बहुत मार्केट और घूम लेते हैं कुछ काम का लगता है ठीक है नहीं तो निकलते हैं क्योंकि हम लोगों ने फिर कल फीफी आइलैंड के लिए टिकट्स कराई हैं इसके अंदर हम दोनों की टिकट्स हैं फीफी आइलैंड की और 3000 बाट के आसपास की सुबह 9 बजे होटल से उठाएंगे और उसके बाद सीधा आपको फीफी आइलैंड और 3-4 आइलैंड और है वो सारे कवर करा के वापस आपके होटल ड्रॉप कर देंगे शाम तो कल का वही प्लान है बाकी अभी देखते हैं अगर कहीं घूमे तो आपको लेके चलते हैं अदरवाइज़ इस ब्लॉग को फिर अपन यही खत्म कर देंगे लेट्स सी हाउ इट गोज़।